आज हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का सिंपल सा मतलब होता है हीट, ये वाला वर्ड जो थर्मो है, डायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी को कहा जाता है जो हम साइंस के अंदर करते हैं, और साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करें। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब देखो, हीट की मैं एक बेस्ट प्रॉपर्टी आपको बताता हूं कि ये हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है। अगर इसके ट्रांसफर की बात करो तो ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। देखो, हॉट बॉडी है, दूसरी कोल्ड बॉडी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों की टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं, दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, तभी हम कह सकते हैं कि एक की डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है। देखो, टेम्परेचर को बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। टेम्परेचर कम है तो वो डिग्री ऑफ कोल्डनेस कहेंगे, और डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, और किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब कि दोनों बॉडीज जो है ना वो एक बराबर की स्टेट में नहीं है, सेम सेम टेम्परेचर पे नहीं है। उनका टेम्परेचर अलग होने की वजह से हम ये कहेंगे जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उससे उस बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हमेशा हीट ट्रांसफर होती है। तो ये हीट की ट्रांसफर की बात है। अब ऐसा हो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चला, थर्मोडायनेमिक्स सिंपल है, स्टडी ऑफ हीट। हीट की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि हीट के साथ डील करे, हीट की स्टडी के साथ डील करे, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी, सीधा सीधा मतलब है जहां पे टेम्परेचर जो है वो सेम सेम होगा। अब अगर दो बॉडीज हैं, कोई भी हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, उन दोनों की डिग्री ऑफ हॉटनेस बिल्कुल सेम सेम है। डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब होता है उसका टेम्परेचर सेम सेम है। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर बिल्कुल सेम है तो हम ये कहेंगे कि दोनों की दोनों क्या है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। दो बॉडीज थर्मल, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यह बात बताई, अगर उनका टेम्परेचर सेम सेम नहीं है तो हीट की ट्रांसफर हो जाता है। हीट ट्रांसफर हो जाती है कहां से? हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा टू कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर कम होगा। ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी वाली साइड हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, तो हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यहां पे तो दोनों हॉट या दोनों कोल्ड है, दोनों का टेंपरेचर सेम है, दोनों की डिग्री ऑफ हॉटनेस बिल्कुल सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो दोनों बॉडीज, वो पूरा सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ए का टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, बी का टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, हीट कहां ट्रांसफर होगी? कहीं भी नहीं। दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि दोनों की डिग्री ऑफ हॉटनेस बिल्कुल सेम सेम है। ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे होंगे, इसलिए हम ये कहेंगे ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो ये होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल, मैं जीरोथ लॉ की तरफ जा रहा हूं, यहां पर आप पहले यह पता चल गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, देखो ये लॉ ये कहता है, एक बॉडी अगर हमारे पास कोई ए है, दूसरी बॉडी कोई हमारे पास बी है, और तीसरी हमारे पास सी है, ए बी और सी ये तीन बॉडीज है, अगर इस ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, और बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, तो ए और बी के बारे में क्या कहते हो? सेम होगा। बस यही कहता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ यह कहता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो, बी और सी दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, तो तब हम कहेंगे ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम, तब हम कहेंगे ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों?
क्योंकि ए का जितना टेम्परेचर होगा उतना ही बी का होगा। मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब अगर सी का 15 है, इसका मैं 15 डिग्री सेल्सियस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब मुझे बताओ क्या ए और बी दोनों का सेम सेम टेम्परेचर है? Yes, है ना। यही जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब ए और बी दोनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, चलो पहले उसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो जब हीट ट्रांसफर की जाती है, हीट के कुछ जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके अंदर मोशन होता है। जिस भी कंटेनर के अगर जहां पे हीट है वहां पे हीट के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके बीच में एक रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है ना। तो वो जो मॉलिक्यूलर मोशन है उसकी वजह से एनर्जी और उसकी अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जैसे मार्कर किस किस चीजों से बना है, किस तरह से बना है, किस तरह से इसका शेप है, कैसा इसका साइज है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसकी बनावट मतलब, ठीक है। एक सिस्टम की बनावट कैसी है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब हो गया कि वो एनर्जी जो प्रोसेस होती है बाय द मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब मोशन उन मॉलिक्यूल्स का जो उस हीट के हो, मॉलिक्यूलर मोशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल मोशन और कॉन्फ़िगरेशन इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब दो बातें निकल के आती है, अगर वो मॉलिक्यूल मोशन की वजह से एनर्जी है तो मोशन की वजह से एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको नाम दिया जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी है उसमें मॉलिक्यूलर मोशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी प्रोसेस को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वो एनर्जी जो किसकी वजह से हो, मॉलिक्यूल के मोशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसकी कॉन्फ़िगरेशन, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिस सिस्टम की हम एनर्जी की बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, और वो दोनों चीजों की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन भी और मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्यों, मोशन की वजह से एनर्जी जो प्रोसेस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, तो होगी लेकिन इंटरनल यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप यह कहोगे कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पजस होती है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनावट होती है कि वो किस चीज से बनी हुई, किस तरह से बनी, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, इसको बोलते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन। उसकी बनावट की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो यह होती है इंटरनल एनर्जी। लेकिन अब बताता हूं कि फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सारा कंसेप्ट इंटरनल एनर्जी का। देखो अगर कोई बॉडीज दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें क्या हो सकता है, देखो, या एक कोई बॉडी उसका कुछ तो टेम्परेचर होगा, एक बॉडी का टेम्परेचर होगा, अगर मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, अगर उस बॉडी को हीट सप्लाई कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी बॉडी को जो अपनी एक स्टेट में है, अब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कहूंगा क्योंकि दूसरी बॉडी साथ में हो तब हम कहेंगे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तीनों का, चारों का, दस का टेम्परेचर सेम है, तो वो सब की सब इक्विलिब्रियम में है, थर्मल। ये बॉडी खुद है, इसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा, उसमें जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की वो बिल्कुल उतनी होगी जितनी की इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई टेम्परेचर बढ़ने से, और इसने जितना वर्क किया एक्सपेंशन की वजह से। फिर से बोलो, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसके बढ़ने की, इंटरनल एनर्जी बढ़ी क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी वो, और जो वर्क हुआ इस दौरान एक्सपेंशन के दौरान, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपेंड होगी वो सिस्टम, तो एक्सपेंशन के दौरान जो एनर्जी प्रोसेस हुई, अच्छा एक्सपेंशन से क्या होगा? वर्क होगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी आएगी, वो बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो जो चीज बनेगी वो होगी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। मतलब जितनी एक सिस्टम को मैंने हीट सप्लाई की है वो उसका अमाउंट बिल्कुल उतना होगा जितना मैं दोनों चीजों का सम करूं, किसका? एक इंटरनल एनर्जी जो कि बढ़ी है, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, और दूसरा वर्क डन जो कि हुआ है किसकी वजह से? एक्सटेंशन की, एक्सपेंशन की, एक्सपेंड जो हो गया एक्सपेंशन की वजह से। इन दोनों के सम के इक्वल होती है इस जितना एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।